7 दिन तक चलने वाले राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले का बिलासपुर में रविवार को पारंपरिक रस्मों के साथ शुरुआत हो गई। मेले का शुभारंभ उपायुक्त बिलासपुर विवेक भाटिया और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार द्वारा लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना के उपरांत हुआ। इस अवसर पर स्थानीय गणमान्य व बुद्धिजीवियों को पगड़ी पहनाकर पारंपरिक रस्म अदा करने के पश्चात मंदिर परिसर में नंदी की प्रतिमा की पूजा अर्चना की गई। मेले का मुख्य आकर्षण पैराग्लाइडिंग का भी मंदिर परिसर में शुभारंभ किया गया। ढोल नगाड़ों, नरसिंहों और अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों के सामंजस्य में शोभा यात्रा लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर से मेला स्थल तक निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। लूणू मैदान स्थित मेला स्थल पर खूंटा गाड़कर और बैलों की पारंपरिक पूजा और राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले का ध्वजारोहण करने के पश्चात विधिवत रूप से मेले का उद्घाटन हो गया। अपने संबोधन के दौरान राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले के अध्यक्ष एवं उपायुक्त विवेक भाटिया ने कहा कि मेले और त्योहार हमारी प्राचीन परंपराओं और लोक संस्कृति के परिचायक हैं। मेले के आयोजन से जहां हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का प्रचार और प्रसार व संवर्धन होता है, वहीं राष्ट्रीय एकता, सद्भावना व बंधुत्व की भावना को भी बल मिलता है। उन्होंने कहा कि मेले के साथ हमारी आस्थाएं और समृद्ध परंपराएं जुड़ी हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि मेले समिति ने हमेशा प्रयास किया है कि सभी दर्शकों को हर बार कुछ न कुछ नया मिल सके और उनका मनोरंजन भी हो सके। उन्होंने कहा कि मेले में बुजुर्गों, बच्चों, सैनिकों और दिव्यांगों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए बैठने की अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं इस वर्ष लोगों के मनोरंजन के लिए नया प्रयास पैराग्लाइडिंग को भी शुरू किया गया है, जिसमें प्रशिक्षित पैराग्लाइडरों के साथ पैराग्लाइडिंग के इच्छुक व्यक्ति 20 मिनट तक हवा में मेले का आनंद भी ले सकेंगे। संस्कृति का परिचायक है मेलों के आयोजनों से जहां हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का प्रचार प्रसार व संवर्धन होता है, वही राष्ट्रीय एकता, सद्भावना, जो भाईचारा है, बंधुत्व है, इन सब भावनाओं को भी बल मिलता है। आज बिलासपुर नलवाड़ी मेला, आज दूसरा नलवाड़ी मेला हमें आयोजन करने का शुभ मौका मिल रहा है। जब पिछली बार इसकी हमने परिकल्पना की थी तो हमने कहा था इसको नए सिरे से हम इसको सोच, पर इसको एक लोगों के त्योहार के रूप में इसको मनाया जाना बहुत आवश्यक है। इसलिए पिछली बार का हमारा जो थीम था, जो ध्येय था, जो केंद्र बिंदु था इस पूरे मेले की, जो थीम था वो था लोगों का त्योहार, पीपल्स फेस्टिवल। इस बार का जो हमारा थीम था, जो आप देख भी रहे होंगे, हमारी एड्स भी आ रही हैं, अलग अलग माध्यमों से प्रचार प्रसार भी हो रहा है, इस बार का जो थीम था उसको हमने सर्वदृष्टिया, संस्कृत में बोलते हैं, वो इस बार का थीम है, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है हर नजर से, अ कंकॉक्शन ऑफ पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग दृष्टिकोणों का समावेश। हर मेले में कुछ ना कुछ नया करने की चेष्टा और आकांक्षा हम सबको रहती है। दिव्यांग जन है, उनको भी मेला देखने का शौक है, उनके लिए भी कुछ होनी चाहिए। ये सारे थीम्स को इकट्ठा करके हर वर्ग के लिए इस बार एक दीर्घा, एक अलग अलग बैठने की जो व्यवस्था हमारी कल्चरल फेस्टिवल में होती है वो की गई है, और उन सब की नीड्स को, उन सब की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस बार उस तरह से आयोजन करने की कोशिश हमने की है। जाहिर सी बात है कोई कमी महसूस हो